हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष एक शिक्षा के विषय के बारे में आपसे चर्चा करने आया हूँ। मेरा नाम दालेश्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र से डॉक्टर राम मनोहर भैया विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय राम हर सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, जो कि आज हम शिक्षा के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। शिक्षा है क्या, आज हम उसको जानेंगे। शिक्षा हमें हमारे दैनिक जीवन के जो मेन आपके पहलू हैं, वह एक हमें अच्छे नागरिक और सामाजिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, आपकी एक अलग पहचान बनाते हैं, जो कि आपको एक नागरिकता में आपकी अच्छी भूमिका निभाती है। शिक्षा कोई जरूरी नहीं है कि किताबी शिक्षाएं ही हो आपके सब पास। शिक्षा कई प्रकारों से की जा सकती है, चाहे वह आपकी औपचारिक शिक्षाएं हों या अनौपचारिक शिक्षाएं हों। मैंने आपको बताया औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षाओं के बारे में, तो ये है क्या, इसको हम आज जानते हैं। यह क्या है, यह औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि हम विद्यालय या महाविद्यालय या किसी कोचिंग सेंटर से या अन्य स्रोतों से हम प्राप्त करने वाली शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें जैसे कि छात्र विद्यालय में जाता है तो उस विद्यालय के में उसके लिए एक समय सारणी निर्धारित होती है, स्थान निर्धारित होता है और पाठ क्रम निर्धारित किया जाता है और परीक्षा लेने की भी प्रणाली भी उसमें प्रयोग की जाती है। इसके बाद इसमें आपको इसके अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र की भी सुविधा प्राप्त होती है,
औपचारिक, मेरा कहने का मतलब है औपचारिक शिक्षाएं वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विद्यालय महाविद्यालय शिक्षाएं, जिसके अंतर्गत समय सारणी स्थान पाठ्यक्रम परीक्षा लेने की प्रणाली प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधाओं को की प्राप्ति होती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा निरोपचारिक शिक्षा। निरोपचारिक शिक्षा क्या है? निरोपचारिक शिक्षा में आपको यह एक प्रकार की शिक्षा जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, इसमें विद्यालय शिक्षा रहती है परंतु वह विद्यालय विद्यालय के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं, परंतु इसमें शिक्षा आपकी इसमें आपका विद्यालय में कोई भी समय सारणी का कोई निर्धारण नहीं होता है। दूसरा, पाठ्य वस्तु का निर्धारण तो होता है परंतु वह समय के अनुसार अनुकूल नहीं किया जा सकता है। और स्थान आपका पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होता है, जिसमें कि जैसे एक प्रकार से इसको दूरस्थ शिक्षा का भी नाम दिया जा सकता है। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा क्या है इसको हम जान लेते हैं आज कि दूरस्थ शिक्षा क्या क्या है। दूरस्थ शिक्षा क्या है इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें छात्र और अध्यापक के बीच का संबंध की बात की जाती है, जिसमें छात्र और अध्यापक मौखिक रूप से एक दूसरे के सम्मुख ना हो सके, वह क्या है? दूरस्थ शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा आप किसी भी स्थान समय और
पाठ्य वस्तु वस्तु का चयन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जिसमें छात्र दूरस्थ शिक्षा में छात्र और अध्यापक एक दूसरे के कभी भी सम्मुख नहीं हो पाते। इसमें विद्यालय शिक्षा की शिक्षा की आवश्यक आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपसे पहले भी बता चुका है कि इसमें दूरस्थ शिक्षा में आपका छात्र और अध्यापक के बीच का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता, जिससे एक दूसरे के सम्मुख कभी भी उपस्थित ना होकर की गई हुई शिक्षा ही दूरस्थ शिक्षा है। और दूरस्थ शिक्षा में जैसे सतत शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा आदि इसके उदाहरण होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा जैसे कि कोई छात्र या कोई माता पिता उन शिक्षा के ज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय ही जाए वह एक स्थान से पर रहकर उस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए आज की शॉर्ट नोट के को मैं अपने यही विराम देना चाहूँगा। कल मैं नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।